प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक का पांचवा अध्याय, जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए संज्ञा को जानते हैं। संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। आपकी पुस्तक में इसकी बहुत ही सरल स्पष्ट एक परिभाषा दी गई है, यानी कि डेफिनेशन दी गई है, जिसको पढ़ते ही आपको संज्ञा समझ में आ जाएगी। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो प्राणी का नाम होगा, वस्तु का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, वह कहलाएगी संज्ञा। और हमें भी जैसे हमारे नाम से जाना जाता है, तो हम सबकी पहचान किसके द्वारा होती है? संज्ञा के द्वारा होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं प्राणी, वस्तु और स्थान आदि के नाम के बारे में। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में ही दिया गया है व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत, जैसे वासु, नानी, नेहा, ऐसे भी कोई भी नाम आप संज्ञा में शामिल कर सकते हो। और प्राणियों में देखो, पशु पक्षी और कीट पतंगों के नाम है, जैसे बिल्ली, तितली, बतख, और जगह स्थानों के नाम के अंतर्गत देखो लिखे गए हैं चिड़ियाघर, इंडिया गेट और जंगल। इसी तरह वस्तुओं के नामों में है घड़ी, खिलौना, पलंग इत्यादि। इसके अतिरिक्त भी संज्ञा के अंतर्गत बहुत से नाम आते हैं, जैसे महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, इमारतों के नाम, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हम सबकी पहचान भी संज्ञा के द्वारा ही होती है। धन्यवाद।